नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीवान गारमेंट में। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं एंकल फिट कटिंग कैसे होती है। जींस लेग वियर में आज का जो पॉपुलर ट्रेंड है दोस्तों, वो है एंकल फिट। देखा जाए दोस्तों तो एंकल फिट में इसके पहले नैरो फिट चलता था। नैरो फिट के पहले बूट कट आया, बूट कट, नैरो फिट, पेंसिल फिट, और आज का जो क्रेज है दोस्तों वो है एंकल फिट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का पुश दबा के लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मैं नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आइए देखते हैं एंकल फिट की कटिंग, एंकल फिट कैसे बनता है और एंकल फिट दिखने में कैसा लगता है। क्योंकि दोस्तों, जो जीन्स का क्रेज है कोई आज का नया नहीं है। सन 1873 में जैकब डेविस द्वारा बनाई गई जीन्स आज कहां से कहां तक पहुंच गई, क्योंकि दोस्तों इसका जो क्रेज चढ़ा, जो इसमें कपड़े आए, जो पैटर्न्स आए, जो फैब्रिक आए, वो आज बच्चों से लेके बूढ़ों तक की पसंद है। हर उम्र के लोगों के लिए जीन्स एक नया ट्रेंड बना है, एक नया बेस्ट लेग वियर्स बना है। दोस्तों, अमेरिका में मजदूरों के लिए बनाई गई ये जीन्स आज की सबसे पुराना ब्रांड लिवाइस के मालिक लिवाई ने अपने मजदूरों के लिए ये जीन्स सन 1873 में जैकब डेविस द्वारा, नाम के टेलर द्वारा, जीन्स बनवाई थी। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि लिवाई, जो लिवाइस कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कभी जीन्स पहनी नहीं। एक्चुअली देखा जाए कि मज़दूरों के लिए बनाई गई थी, और दोस्तों जो चीज़ मज़दूरों के लिए बनाई जाती है शायद मालिक कोई पहनता है। लेकिन दोस्तों, उस मजदूरों के लिए बनाई गए जींस का क्रेज आज कहां से कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का बूट कट देख लीजिए, पैर से लेके ज़मीन तक उनका लटकता रहता था। उसके बाद ज़माना आया, बूट कट काफ़ी क्रेज में आया। उसके बाद आया नैरो फिट, दिल फिल्म देख लीजिए आमिर खान को। उसके बाद से क्रेज, नया नया क्रेज, नए नए कपड़े आते गए। दोस्तों, आज के युवाओं का जो क्रेज है वो एंकल फिट का है। तो एंकल फिट की आपकी मैं आज कटिंग बता रहा हूँ, आप कैसा कटिंग बना सकते हैं। आपके पास जूनी जीन्स भी है तो आप उसको कट करके कैसा एंकल फिट बना सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये है रोल जिसमें कि जीन्स बनती है। ऐसे होते हैं रोल्स, एक कपड़े के रोल्स हैं जिनसे जीन्स बनती है, और जीन्स कच्चा है। देखो, लेयर लग रहा है, लेयर ऐसा लगती है। लेयर लगाने के लिए एक 28 से 30 फुट का टेबल चाहिए। दोस्तों, लंबाई लग गई है, देखिए ऐसा पूरा लेयर लगा हुआ है। ये पूरा लेयर लगा हुआ है, अब ये फर्मे है जिसे हम पीस काटते हैं। ये मार्किंग किया है फ्रेंड है, देखो 34 साइज का। और अभी आपको मैं एक पीस का कैसे काटते हैं, एक पीस का मार्किंग लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले लंबाई लेंगे, एंकल फिट का लंबाई जो रहता है वो 38 का रहता है। यहाँ देखिए 38 का रहता है, तो 38 से हम मार्किंग करेंगे। स्केल लेंगे, सीधा एक मारेंगे, कमर नापेंगे दोस्तों, इधर आधा इंच पे और इधर आधा इंच पे। उसके बाद कमर हम मान लो ले रहे हैं 28 साइज ले रहे हैं या 30 साइज ले रहे हैं, तो 30 का कमर हम रखेंगे 8.5। जो फ्रेंड का फ्रेंड राइस है, फ्रेंड राइस का हम रखेंगे 8.25। अभी दोस्तों, जितना जितना साइज बढ़ता जाएगा,
8 हम 30 का रख रहे हैं, 32 का 8.5, 34 का 9, 36 का 9.5, ये स्केल लेंगे, राउंड स्केल लेंगे जो हम शेप बनाएंगे बैग का। दोस्तों मेन है सीट होता है 30 का 36, तो एंकल फिट है, हम लूजिंग थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, 12 इंच पे रखेंगे, 1 इंच का प्लाई का सेट देंगे, उसके बाद दोस्तों जो हम घुटना लेंगे बॉटम हम इसका रखेंगे 6.5, एंकल फिट है, बच्चे कम जो यंग जनरेशन है कम पहनती है तो 6.25 रखेंगे, और जो घुटना होता है नी होता है दोनों को बीच में रखेंगे, 29.5 है, 15-14 पे रखेंगे, जैसे 1/2 इंच का 1 इंच का सेट देंगे, 6.5 बॉटम है तो हम घुटना रखेंगे इसका 7.5, 8 घुटना रखेंगे, क्योंकि एंकल में दोस्तों घुटना फिट रहेगा उतना ही पहनेंगे। ये हम सेफ लगा लेंगे, दोस्तों एक कट गया है एंकल फिट का फ्रंट बैग, हम इससे 2 इंच बॉटम की तरफ से और हिप की तरफ से हम 3 इंच का बैग बढ़ा के कटिंग कर लेंगे। थैंक यू। ओके दोस्तों, जैसा मैं बोला था आपको कि जूने से हम एंकल फिट कैसे बनाएं, आपके पास अगर जूना पीस हो, ये देखिए पीस बना हुआ है, इसको हम उल्टा कर लेंगे, करने के बाद देखेंगे दोस्तों की इसकी लंबाई क्या है, क्योंकि हमको 38 लंबाई चाहिए एंकल फिट की, नजदीक की एंकल फिट का लंबाई भी देखेंगे कितना है दोस्तों, 40 है अंदर की, 40 है तो दोस्तों दो बैंड है, एक ये साइड है एक बाहर साइड है, हम दोस्तों इसको बाहर साइड से लेंगे, बॉटम थोड़ा काटेंगे, और इसका देखेंगे बॉटम है कितना, बॉटम दोस्तों इसका 7 है, हम इधर से साइड की तरफ से तो साइड है, साइड की तरफ से हम इसका हम 6-6.5 कर लेंगे, कहाँ तक, लगभग 10 इंच तक, ये दोस्तों 10 इंच तक मैंने मार्किंग कर लिया है, 10 इंच तक हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे और बॉटम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, हमारा ये रेडी हो गया एंकल फिट जोन पीस में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।